की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह बनेगा जसले हकदार होगा। सब्सक्राइब कीजिए। लोग कहेंगे नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। और आज हम आपके बीच एक ऐसे शख्सियत को लाए हैं जो हम सब के चहेते हैं और हम सब के प्यारे हैं और हम सब बहुत उनसे प्यार करते हैं, आप जानते हैं उनको। आज हम उनसे बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे उनसे, और बाकी क्या है, कैसा है, कैसा चीज़ें हैं, वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट किए हैं। और आज यूट्यूब पे बहुत बड़े लेवल पे हैं, हमारे बड़े भैया हैं, आप सबके बड़े भैया हैं, आप सब बहुत प्यार करते हैं, आज उन्हीं से मिलेंगे। अभी तक नाम मैंने रिवील नहीं किया है, मैं डायरेक्ट उनसे मिलूंगा और डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन है। आप भी शौक हो जाएंगे। आरडीआई टॉक्स पे ये पहला ऐसा वीडियो है जो क्या बताएं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज मैं मिलने आया हूँ यहाँ पे और मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। पर आज चलिए मिलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए और मिलते हैं हमारे सबसे चहेते बड़े भैया आदर्श आनंद, जो बिहार के लाल माने जाते हैं, बिहार के आन बान शान हैं। और बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल आरडीआई टॉक्स पे। आरडीआई टॉक्स के जितने भी जनतागण हैं उनको प्रणाम है। और भाई बोले बिहार के आन बान शान लाल, अभी हम हरा में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई ने बहुत ही अच्छा मतलब दिल से इंट्रो किया है, हमें बहुत खुशी है। इस तरह से प्यार मोहब्बत इनके चैनल को देते रहिए। हाँ जी, आपका कुछ सवाल उवाल जी, जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं बहुत बड़ा आपका फैन, बहुत बड़ा, मैं एवरी वीडियो आपका देखता हूँ। और मैं भी पेशे से एक यूट्यूबर हूँ, छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। बट आप सबका देखने में छोट लगे, नहीं नहीं देखने में छोट लगे लेकिन घाव करे गंभीर। हाँ, तो छोटा चीज ने को फुंसी जो होता है ना बहुत बड़ा भूकंदर का रूप ले लेता है। तो छोटा चीज क्यों नहीं होता, सभी लोग शून्य से ही शुरू करते हैं, शून्य से हमारी भी शुरुआत हुई थी। तो बस मेहनत करते रहिए और क्या। और एक चीज है ना आदर्श भैया, हम मतलब जो मिमिक्री सुनते हैं ना हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अभी तक वीडियो में देखा है। मैं चाहता हूँ कि आज मेरे चैनल के माध्यम से मेरे जनता को भी और मुझे भी थोड़ा सा कुछ सुनाइए। अच्छा, पहला यही क्वेश्चन दाग रहे हैं आप। जी बिल्कुल, मिमिक्री में हम तो यही कहेंगे कि अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह बनेगा जसले हकदार होगा। सब्सक्राइब कीजिए आरडीआई टॉक्स को, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहूंगा नाना पाटकर की आवाज में थोड़ा सा मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए। अच्छा लगता है, भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, सौलत है, है? कमी अगर है तो गर्लफ्रेंड की। धन्यवाद। इससे पहले ऊपर से देख रहा था सर, अब नीचे से देख रहा है। एक्चुअली क्या है, नीचे देखा सब कीड़े बन गए कीड़े। एक्चुअली क्या है कि मैं पीसी से मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। और मैं हमेशा मैं अभी 21 के एज में हूँ, छोटा सा हूँ। जब भी मैं कोई बातें किसी को बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं उसको और फॉलो भी करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि तेरी अभी खुद की क्या औकात, तुम इतने छोटे हो और इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। आदर्श भैया क्या वो लोग ऐसा जो बोलते हैं उनसे क्या मुझे क्या सीखना चाहिए? देखिए क्या मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकता हूँ? तो आप तो खुद ही डिमोटिवेट हो रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब ये होता है कि खुद को मोटिवेट करते रहिए। जी ठीक है, पर थोड़ा सा बुरा लगता है। जुगनू जो होता है वो खुद के अंदर मसाल और क्या कहते हैं उसको, रोशनी लिए घूमता रहता है। उसको किसी से कोई परवाह नहीं है कि बिल्डुआ क्या बोलेगा, सांप क्या बोलेगा, बिच्छा क्या बोलेगा। उसको मतलब होता है कि अंधेरे के अंदर जाए और जो भी लोग देखे तो ये कहे कि हाँ भाई जुगनू चमक रहा है। यानी आप अपने अंदर एक जुगनू जला के रखिए, आपको आजू बाजू मच्छरों से कोई लेना देना नहीं है। देखिये मच्छर का काम 2 दिन का होता है और मच्छर का जिंदगी भी 2-3 दिन का होता है। कब किसका हाथ में चढ़ेगा उसका हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा, समझ रहे बात को? तो ये चीज बिल्कुल भी इग्नोर कीजिए इस चीज को। और रही बात औकात की, और औकात मेरे ख्याल में औकात ये जो कहता है ना इंसान ने जो 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 लोग जन्म लिए हैं, औकात किसी की भी बड़ी या छोटी नहीं होती, सबकी औकात सेम ही होती। क्योंकि इस दुनिया में तुम जन्म लेते हो, एक माँ ही तुम्हें जन्म देती है, फिर उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं होता है जिंदगी में। बिल्कुल ठीक है। और देखिए आप खुद ही मोटिवेशनल स्पीकर है, हम मोटिवेट क्या करेंगे? हम बस यही कहना चाहते हैं कि आपका इस जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर आपको कोई कहते हैं कि आपकी क्या औकात है, तो हम बस उन लोगों से ये जानना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि किसी भी
किसी की भी कोई औकात नहीं है, ना पैसे से ना किसी भी चीज से। जाना तो तुमको भाई लास्ट में वही है, या तो मिट्टी में मिल जाना है या तो ऊपर चला जाना है, बात सही यही है। और जब तुम जन्म लेते हो तो जन्म भी कोई और देता है, नाम भी कोई और देता है, शौहरत भी कोई और देता है ना, जॉब भी करते हो तो कोई और जॉब देता है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर जब तुम मर जाते हो तो कंधा भी तुमको कोई और देता है, तो तुम्हारा इस जिंदगी में कुछ है ही नहीं, तो तुम्हारा क्या औकात है ना। जब तुम्हारा कुछ हो तब तुम्हारा औकात, जब हमारा कुछ है ही नहीं, जब सब कुछ किसी और का ही है, तो फिर औकात की बात यहाँ कहाँ आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है आदर्श भैया। और ये दिस इज कॉल्ड अ रियल मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन जो हम लोग सीख सकते हैं आपसे, और आपसे तो हम लोग बहुत इंस्पायर हैं। एक सपना था आपसे मिलने का और आज मिले भी, आपसे बात भी किए, बहुत बहुत धन्यवाद। इग्गी दुगी लोगों के फेरा में न रहिए, जो आपका दिल करता है, जो आपका दिल चाहता है वही कीजिए। बिल्कुल ठीक है। और एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहां फंस गए मोटिवेशनल भैया, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, बस इग्नोर है हमको करते रहना और आगे है हमको बढ़ते रहना। फेरा में न है पढ़ना, दुनिया से न है डरना, बस यही ठान लीजिए कि हाँ हम जो चाहते हैं वही हमको करना। बस अब आपका आशीर्वाद हमें मिल गया है और उम्मीद करते हैं कि आशीर्वाद आशीर्वाद माता पिता की होती है, बड़ों का आशीर्वाद होता है। हम लोगों की दुआएं आपके साथ है, ठीक है। बस इसी तरह रगेते रहिए, एकदम चापले रहो भैया। और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बताना चाहूंगा कि मैं आज बिल्कुल अपशब्द हो गया हूँ, अनकॉन्शियस। और मेरे बड़े भैया के साथ आज मैं खड़ा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अपना चैनल है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये हम लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और आनंद आदर्श आनंद भैया का मिमिक्री कैसा लगा, चैनल पे कमेंट जरूर आना चाहिए। और सब्सक्राइबर एकदम दनादन बढ़ना चाहिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल आप ना भूलिएगा।